जैसा कि आप सब जानते हैं, सुहानी भटनगर सिर्फ 19 साल की उम्र में अपनी जान खो बैठी हैं। सुहानी की बात करें तो सुहानी ने सिर्फ 9 साल की उम्र में आमिर खान की मूवी दंगल में उनकी छोटी बेटी का रोल प्ले किया था। सुहानी अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद एक एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी, लेकिन उनका ये सपना पूरा ना हो पाया। सुहानी को ऐसी बीमारी हो गई थी जो दुनिया में लगभग कुछ ही लोगों को होती है, और उन्हीं चंद लोगों में सुहानी भी थी। सुहानी के पेरेंट्स ने इस बीमारी पर अपना पहला रिएक्शन दिया है। सुहानी के पेरेंट्स का कहना है कि जब सुहानी को ये बीमारी हुई तो वो इसके बारे में नहीं जानते थे, और सुहानी के काफ़ी सारे मेडिकल रिपोर्ट्स आईं, काफ़ी सारे टेस्ट हुए, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आई। इसके बाद वो एम्स हॉस्पिटल में गए, जहां पर उनके बहुत सारे टेस्ट हुए, और उसके बाद पता लगा कि उन्हें डर्मेटोमायसिटिस है। डर्मेटोमायसिटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी बॉडी पर स्किन रैश हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और आपकी मसल वीक हो जाते हैं। सुहानी का पहले एक बाजू स्वेल हुआ, उसके बाद ये बीमारी फैलते फैलते उनका दूसरा बाजू स्वेल हुआ, फिर उनकी पूरी बॉडी में ये बीमारी फैल गई, उनके लंग्स काम करना छोड़ गए, और एट लास्ट वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। सुहानी की बात करें तो सुहानी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी और बहुत ही ज़्यादा जोशीली थी। वो जो करना चाहती थी वो करके ही रहती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने उन्हें इतना मौका ना दिया कि वो कुछ कर पाएँ। सुहानी की बात करें तो सुहानी की मौत एक ऐसी बीमारी से हुई है जो दुनिया में चंद ही लोगों को होती है। कुछ इससे ठीक हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते, और सुहानी भी इस बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। उनके माता पिता बहुत दुखी हैं, और अपनी बेटी को इस यंग एज में चले जाने पर उनसे सब्र नहीं हो पा रहा। सुहानी के जाने पर जहां आमिर खान और उनकी फैमिली भी काफ़ी सैड है, और पूरा बॉलीवुड इस पर अपना रिएक्शन दे चुका है। सुहानी की मौत पर आप उनकी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा, और उनके लिए ढेरों प्रेयर्स करिएगा, और हमें कॉमेंट्स करना ना भूलिएगा।